यहाँ पे पूरा जंगल का बीचों बीच में देखो, और यहाँ पे है हैंगिंग ब्रिज। गाइस फर्स्ट टाइम मैं यहाँ पे आया हूँ। ये जो स्पॉट है उदयपुर सिटी से 6 to 8 किलोमीटर होगा। और यहाँ पे सामने बहुत सारा कॉटेज है, रात को रुक सकते हैं जो भी रुकना है। पूरा जंगल के बीचों बीच में ये कॉटेज। इतना तो आसे कैंटीन तो आसे और रात हो ना, একদিন দিয়ে থাকলে তো ভালো হয় সবাই মিলে। ঠিক আছে না, একটা মাত্র তো মনে হয় 3-4 জন। ক্যা নজারা হ্যায়! ইয়ে জো কটেজ দিখ রহা হ্যায় না, ইসমে এক রাত কো রুকনে কে লিয়ে 2200 লাগতা হ্যায়। 3-4 आदमी पार्टी कर सकते हैं, लेकिन रुकने के लिए शायद 3 आदमी अलाउ है इसमें। पूरा जंगल के बीच में सामने कैफेटेरिया भी है खाना के लिए रात को, और पूरा मस्त हवा। क्या ब्यूटी है! यहाँ पे 2 कपल हैं, 7-5 भी हैं। और यहाँ पे ऑर्नामेंटल बेम्बू। इसमें 3 लोग रह सकते हैं क्योंकि एक ही बेड है इसमें, और एसी कंपार्टमेंट है। और एसी का ज़रूरत नहीं है, ये जो नेचुरल जो हवा है वही काफ़ी इतना मस्त है। यहाँ पे एसी है, और सामने एक कैंटीन भी है, रात को खाना है तो यहाँ से खा सकते हैं और ख़ुद भी पका सकते हैं। यहाँ के यहाँ पे पिकनिक स्पॉट बहुत सारा है, बहुत खूबसूरत है। सिटी से लगभग 6 to 8 किलोमीटर होगा, और है तुला बस घूमना कंप्लीट। अभी यहाँ से पैकअप करके जाना है दूसरा स्पॉट में, और देखता हूँ फ्यूचर में एक दिन प्लान करता हूँ यहाँ पे, अगर होगा तो आऊँगा। 2200 बहुत ज़्यादा है एक रूम के लिए पर नाइट, वो भी, और खाना भी अलग से। पूरा ऑर्किड है, यहाँ पे जर्मिनेशन हो रहा है। और यहाँ पे है, और ये वाला है हम लोगों का फाइनल डेस्टिनेशन जिसके लिए हम लोग इतना दूर से आया था, हैंगिंग ब्रिज। ये हिलता भी है, मास्क करने के लिए लड़बो ना। देखो हिल रहे हैं। देखो
लावा नहीं दो अल्लाह देखो हिलता है।